हेलो, वेलकम बैक टू ओपी क्लासेस। आज है रिवीजन का चौथा दिन। आज हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में जानेंगे, जिनमें सबसे पहला है मारायूर जंगल में SSD रोग। मारायूर जंगल केरल में स्थित हैं। SSD रोग यानी कि सैंडलवुड स्पाइक डिसीज़, इसे हिंदी में चंदन स्पाइक रोग बोलते हैं। कर्नाटक में जो MM हिल्स हैं, ये चंदन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, जबकि केरल के मारायूर जंगल ये भी चंदन के लिए प्रसिद्ध हैं, और इन्हीं जंगलों में ये SSD रोग है। स्पाइक रोग क्यों होता है? इसके जीवाणु का नाम है फाइटोप्लाज्मा, इसी के कारण ये स्पाइक रोग होता है। आगे देखेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जबकि बात की जाए मूल संविधान की तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। पहली अनुसूची में बताया गया है राज्यों के नाम एवं उनके न्याय क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनकी सीमाएं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। दूसरी अनुसूची में बताया गया है प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्ते तथा पेंशन के बारे में। बात की जाए तीसरी अनुसूची की तो इसमें शपथ प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है, लेकिन आपको याद रखना है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल होते हैं वो इस सूची के तहत शपथ नहीं लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में बताया गया है कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। नेक्स्ट है पांचवी अनुसूची, इसमें अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। छठवीं अनुसूची में बताया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। ये राज्य आपको याद रखने हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। आगे देखेंगे सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है, जैसे कि संघ सूची में 100 विषय दिए गए हैं। मूल संविधान में 97 थे, जबकि वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय दिए गए हैं। मूल संविधान में 66 थे, लेकिन अब घटाकर 61 कर दिए गए हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय दिए गए हैं, इसमें मूल संविधान में 47 थे, लेकिन वर्तमान में 52 हैं। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है तथा राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। आठवीं सूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। मूल संविधान में 14 थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं। नौवीं अनुसूची जो है वो 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, इसमें भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे दसवीं अनुसूची, इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, इसमें दल बदल का कानून के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है ग्यारहवीं अनुसूची, इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसमें पंचायतों की शक्ति तथा प्राधिकार के बारे में बताया गया है। वर्तमान में इसमें 29 विषय हैं। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसमें नगर पालिका की शक्ति वितरण के बारे में बताया गया है। ये 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है 1857 पर महत्वपूर्ण पुस्तकें तथा उनके लेखक, जैसे कि द ग्रेट रेवेलियन के लेखक हैं अशोक मेहता। कौन है ग्रेट रेवेलियन के? अशोक मेहता। नेक्स्ट है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इसके हैं VD सावरकर। 1857 इसके लेखक हैं सुरेंद्र नाथ सेन। एंड इंडियन रेनेसा, इसके हैं RC मजूमदार। नेक्स्ट है सिविल रिवेलियन हिंदी के हैं शशि भूषण चौधरी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।